सभी को नमस्कार। आज के दिन की शुरुआत एक अभिनंदन थे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी का। आज 133rd बर्थडे है और इन्हीं के बर्थडे को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। यदि हम फिजिकल मोड में होते तो डेफिनेटली आज के दिन कोई ना कोई एक्टिविटी से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते, परंतु जो भी सिचुएशंस में भी हम हैं, तो आज ये दिन हम नॉर्मल सब ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं। अब दिखने के लिए तो नॉर्मल है, बट उतना भी नॉर्मल नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडीज ऑफ एलजेब्रा मैथमेटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ नॉर्मल सब ग्रुप्स। अब इसमें दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, सब ग्रुप्स विच आर नॉर्मल। सब ग्रुप्स ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा हुआ है, तो सब ग्रुप एकदम से तो नहीं आता है। उसके पहले हम ग्रुप्स पढ़ते हैं, ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी आपने सॉल्व किए हैं। देन वी स्टडी सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, सब ग्रुप और ग्रुप के एलिमेंट की हेल्प से कुछ कोसेट्स, लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट, एंड वन इंपॉर्टेंट थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम ऑन ग्रुप्स। इतनी सारी बातों को बैकग्राउंड में रखते हुए वी कैन इजीली प्रोसीड फॉर नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो ये मानकर चलते हैं कि ग्रुप और सब ग्रुप्स की जो नॉलेज है ये हमारे साथ है। नाउ लेट अस टेक वन ग्रुप जी और उसके अंदर ले लेते सब ग्रुप एच, फिर इसमें कुछ एलिमेंट सपोज करते हैं से एच और इसमें सपोज करते हैं जी। तो इफ जी एच जी इनवर्स इज प्रेजेंट इन एच फॉर ऑल जी इन जी फॉर ऑल एच इन एच, देन वी से सच सबग्रुप एज नॉर्मल सबग्रुप। पहले से सबग्रुप है, दिस इज सबग्रुप, इट इज ग्रुप। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन एच इज सेट टू बी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। अब क्योंकि नॉर्मल सबग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जनरली वी यूज सबग्रुप एज एन। नोटेशनल पार्ट है, एच भी चल सकता है, बट स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए एन यूज कर लेते हैं। तो इस बैकग्राउंड को डेफिनेशन के फॉर्म में पुट अप कर देते हैं। डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, लेट एन बी अ सब ग्रुप of group G, then N is said to be normal subgroup. तो है पहले से, if and only if G and G inverse belongs to N, for all G belongs to G, for all N belongs to N। यहां पर एच के नोटेशन में लिखा था, एन के नोटेशन में लिख दिया। अब ये डेफिनेशन होने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करते हैं। यदि ये एलिमेंट जी यदि सबग्रुप का एलिमेंट होता, मींस ये जी यदि सबग्रुप का एलिमेंट होता, तो सबग्रुप है तो जी इनवर्स भी
जी इनवर्स भी सब ग्रुप में आ जाता था और एन हम सब ग्रुप में ले ही रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट सब ग्रुप में है तो ये ऑब्वियस सी बात होगी जी एन सब ग्रुप में आ जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एन बाय जी वन ऑफ एन। और यदि ये एलिमेंट एन में है तो इसके साथ जी इनवर्स का फिर से प्रोडक्ट जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन फिर से बाय क्लोजर प्रॉपर्टी बाय जी वन ये एन में हो जाएगा। इसका मतलब व्हेन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज कंसिडर्ड इन द सब ग्रुप इटसेल्फ देन दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, दिस इज ऑलवेज पॉसिबल बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप। तो जनरली जब हम नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं तो नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते समय ये जो ग्रुप का एलिमेंट है ये सब ग्रुप के बाहर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ये कंसीडर करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और चीज, अभी हम यहां कहीं पर भी अबेलियन ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। यदि अबेलियन ग्रुप की बात हो रही हो इफ जी इज अबेलियन दिस इज वन ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज इफ जी इज अबेलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि मिल गई तो ये जितने भी प्रोडक्ट है जी एन फिर एन जी इनवर्स या जी एन जी इनवर्स ये पूरा एलिमेंट ये ग्रुप में होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से जी एन जी इनवर्स कैन बी रिटन एज एन जी जी इनवर्स belongs to N and these can further be written as by using associative property, ये commutative property से आया by G5 और this can be written as N G G inverse belongs to N by associative property G2, G G inverse will be identity element of group G, N E belongs to N by G4 property, G G inverse is identity element और N E will be N belongs to N by G3 property existence of identity element। तो यदि G abelian group है तो ये जो product है G N G inverse this converts into N which is element of N, तो ये भी obvious सी बात हो गई। इसका मतलब जब हम normal subgroup की बात कर रहे हो तो normal subgroup किसका group G का यदि abelian है तो obviously रिजल्ट सब हमारे पास में, तो जनरली वी कंसीडर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस किए हमने, ग्रुप अबेलियन है तो ऑब्वियसली चीजें हैं सब, और जी का एलिमेंट स्मॉल जी यदि सब ग्रुप में ही हो तब भी ये प्रोडक्ट ऑलवेज दिस एलिमेंट विल बी इन सब ग्रुप। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। नाउ अब ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन को थोड़ा सा और लिबरेट करते हैं, जी एन जी इनवर्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब ये दो चीजों के बीच में एक सिंबल यूज हो रहा है बिलोंग्स टू का, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू एन। यदि हम सारे एलिमेंट एन के कंसिडर कर लें तो वी कैन राइट a set we can write g n g inverse capital N as collection of all elements g n g inverse where n belongs to n and this can be written for all g belongs to g। अब हमने सारे n consider कर लिए तो यह set बन गया, जी कैपिटल एन जी इनवर्स इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉर्म जी एन जी इनवर्स वेर एन बिलोंग्स टू एन। अब यदि इसको यहां पर फिट करें तो सब ग्रुप एन ऑफ जी इज सेट टू बी नॉर्मल इफ देयरफॉर एन इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ जी एन जी इनवर्स एक एलिमेंट और सेट को रिलेट कर रहे थे तो बिलोंग्स का सिंबल आ रहा था, अब सेट और सेट को रिलेट करना है तो जी एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ये कंडीशन हमने सेट में कवर कर लिया।
सो दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन कहो और डेफिनेशन भी कह सकते हैं. सब ग्रुप एन ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली जी एन जी इनवर्स, इसको ऐसा डिफाइन किया हुआ ऊपर, इज सबसेट ऑफ एन, इज सबसेट ऑफ एन. तो अभी दो बातें होगी नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, एक तो एलिमेंट के फॉर्म में और एक सेट के फॉर्म में. देयर आर मोर रिजल्ट ऑन नंबर ऑन नॉर्मल सब ग्रुप, एक एक करके देखते हैं हमें. थ्योरम वन, अ सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ जी एन जी इनवर्स इक्वल टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. तो जो कॉमन डेटा है पहले उसको मेंशन कर दिए, गिवन दैट जी इज अ ग्रुप एंड एन इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये इंफॉर्मेशन कॉमन है. अब जब इफ एंड ओनली इफ लैंग्वेज हो तो दो पार्ट प्रूव करने होंगे, वन इज डायरेक्ट पार्ट, अदर इज कॉन्वर्स पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट दैट इज डायरेक्ट पार्ट, गिवन एन इज नॉर्मल, क्लेम दिस कंडीशन जी एन जी इनवर्स इक्वल टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस एन इज नॉर्मल. तो ये जो सेट है जी एन जी इनवर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स जी एन जी इनवर्स स्मॉल एन है, सच दैट एन इज इन कैपिटल एन. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट का. एंड एन इज नॉर्मल तो बाय ऑब्जर्वेशन और डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एन वी कैन राइट जी कैपिटल एन जी इनवर्स इज इन एन. अब यहां दो चीजें हो सकती है, हम सेट नोटेशन में बात कर रहे हैं जी एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, या फिर एक और अप्रोच इसका जी स्मॉल एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये हो सकता है. वो तरीके से भी प्रूफ कई बुक में आपको देखने के लिए मिलेंगे. हम जी एन जी इनवर्स की बात करें, पूरे पूरे सेट की बात कर लेते हैं. अब एक पार्ट दूसरे का सबसेट है, यदि दूसरा साइड पहले का सबसेट हो जाए तो दोनों इक्वल हो गए. इफ ए इक्वल टू बी प्रूव करना हो तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए लगेगा, तो एक तो ऑब्वियस, तो दूसरा प्रूव करना है. वी शो दैट एन इज सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. तो एक एलिमेंट ले लेते जी इन जी, तो जैसे एलिमेंट कोई लिया ग्रुप में तो उसका इनवर्स भी ग्रुप में होगा बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, जिसके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन हम यूज करते हैं जी फोर. इसके बाद यहां आ जाइएगा, ये रिलेशन है हमारे पास, नंबर वन दिया हुआ है, इसके प्री में जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट में जी से मल्टीप्लाई करते हैं. हम ये एन को फ्री करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट से, तो ये एन को फ्री करने के लिए इसके इनवर्स से पहले इसके इनवर्स से बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाइंग वन बाय जी इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय जी, ब्रैकेट में लिखे जी इनवर्स जी, यहां पर भी वही काम होगा जी इनवर्स जी. नाउ ब्रैकेटिंग मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जी इनवर्स जी एंड जी इनवर्स जी इज सबसेट ऑफ जी इनवर्स एन जी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप जी. जी इनवर्स जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट बाय जी फोर प्रॉपर्टी, एन अपनी जगह ई ये अपनी जगह चल रहा है बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जी फोर. नाउ ई एन विल बी एन बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और फिर वो एन ई के साथ में इट विल बी एन. अभी डायरेक्ट नहीं हो रहा, ये एलिमेंट्स के अंदर जाकर हो रहा है. एन मतलब क्या होगा, यहां कोई एन का एलिमेंट रहा होगा ना, ई एन वन मान लो हम यदि कोई एलिमेंट ले तो ई एन वन विल बी एन वन और फिर वो एन वन ई विल बी एन वन. तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन, तो वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज एन. बैकग्राउंड में हो रहा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. तो एन इज सबसेट ऑफ जी इनवर्स एन जी, लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था जी एन जी इनवर्स. कोई बात नहीं, अभी हमने कोई एक जी दिया तो उसके लिए हमको ये रिजल्ट मिल रहा है एन इज सबसेट ऑफ जी इनवर्स एन जी. तो वी कैन राइट दिस इज ट्रू फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. जब हमको सारे एलिमेंट के लिए रिजल्ट प्रूव करना है तो एक साथ सारे एलिमेंट के लिए रिजल्ट प्रूव नहीं होगा,
हमको कोई एक एलिमेंट लेकर चलना होता है, हमने एक एलिमेंट लेकर स्टार्ट किया और वो रिजल्ट हमको इस तरह से आते दिख रहा है, तो वी कंक्लूड दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अच्छा, अब जैसे ही जी जी में होगा तो जी इनवर्स भी जी में होगा, तो ये जो जी दिख रहा है इसकी जगह जी इनवर्स पुट किया जा सकता है, तो फॉर जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी वी ऑब्टेन। जैसे जी जी में होगा, जी इनवर्स जी में होगा, तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, रख दो जी की जगह, जी की जगह, तो वी गेट एन इज सबसेट ऑफ जी इनवर्स का इनवर्स एन जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, एंड इनवर्स ऑफ इनवर्स इज द एलिमेंट इटसेल्फ बाय रिजल्ट एन इज सबसेट ऑफ जी, ये बन गया जी एन जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। इसको नंबर टू दे देते, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट g n g inverse is equal to n for all g belongs to g. This proves part 1. Part 2, now given is g n g inverse is equal to n for all g belongs to g. Claim n is normal. So start karte hain, given as g n g inverse is equal to n for all g belongs to g. So obviously hai, jab do set equal hai, to one is subset of another, another is subset of first. So ek hi likhne se kaam ho jayega. G n g inverse is subset of n for all g belongs to g, and this shows that n is normal. This implies n is normal. By definition, we can say by definition or observation. So this proves part 2. Hence, from part 1 and from part 1 and 2, the result follows. From above result, we can't conclude that g n g inverse is equal to n for all g belongs to g. एक एक सिंबल का इंपॉर्टेंट रोल है, g n g inverse equal to n की बात नहीं हो रही है, पूरे पूरे सेट के लिए बात हो रही है, g capital n g inverse is equal to capital n. अच्छा, और यहां ग्रुप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये वही बात होगी जो हमने ऑब्जर्वेशन में डिस्कस की थी। ये कब हो सकता है, जब g capital g ग्रुप g अबेलियन हो, तब ये ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, जी जी इनवर्स के साथ जाके ई मिलेगा, ई एन के साथ एन प्रोवाइड करेगा। दिस इज पॉसिबल इफ जी इज अबेलियन, लेकिन हर बार ग्रुप जी अबेलियन हो ये जरूरी नहीं, तो ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन। हमको एलिमेंट्स को चेंज इन ये प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज करने की परमिशन नहीं है इन जनरल, जब तक के ग्रुप अबेलियन ग्रुप नहीं दिया गया आपको। द सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली लेफ्ट कोसेट ऑफ एन इन जी इज अ राइट कोसेट ऑफ एन इन जी। अनदर वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली जी एन इक्वल टू एन जी, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो फिर से कॉमन इंफॉर्मेशन, given that n is a normal, oh normal नहीं, subgroup है केवल, n is a subgroup of group g, part 1 start with n is normal, यहां से शुरू करते हैं और प्रूव करेंगे कंडीशन। तो सपोज दैट, जरा डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा है प्रूफ, सपोज दैट एन इज नॉर्मल, एक पैटर्न इसके पहले लिख दिया था गिवन और क्लेम पूरा पूरा लिखकर, अभी हम डायरेक्टली लिख रहे सपोज दैट एन इज नॉर्मल, तो दिस इंप्लाई अभी हमने थ्योरम प्रूव किया जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी बाय रिजल्ट और बाय थ्योरम, क्योंकि ये जो रिजल्ट है इससे मिलकर जुलता है, ये ले लेते हैं। अब क्या चाहिए हमको, इधर जी एन चाहिए, यानी ये जी इनवर्स को यहां से फ्री करना है, जी इनवर्स को फ्री करने के लिए इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी पोस्ट मल्टीप्लाई जी से करने पर शायद हमारा काम हो सकता है। देखो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय
by G belongs to G, of course, post multiplying by G. So G and G inverse, ये G से post multiply किया, इधर भी काम होगा वो एन जी. दिस इज जी एन जी इनवर्स जी. रीजन मेंशन करना होगा हर जगह बाय जी टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दिस इज जी एन जी इनवर्स जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट एन जी बाय जी फोर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी. एंड आइडेंटिटी के साथ किसी का प्रोडक्ट इज द एलिमेंट इटसेल्फ. जी एन इक्वल टू एन जी बाय जी थ्री. तो कोई जी यदि हमने यूज किया तो जी एन जी इनवर्स, तो देयरफॉर वी कैन राइट जी एन इक्वल टू एन जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. ये रिजल्ट था. तो दिस प्रूफ्स डायरेक्ट पार्ट. दिस प्रूफ्स डायरेक्ट पार्ट. नाउ पार्ट टू, कॉन्वर्स पार्ट. Conversely, suppose that Gn equal to Ng for all G belongs to G. We want to prove that N is normal. So N is normal. हमने देखा था G n G inverse is equal to N होता है. मतलब यहां से ये n यदि हम रखे सिर्फ ये g को यहां से हटा दे तो काम हो जाएगा. g को हटाने के लिए g इनवर्स से पोस्ट, जहां इनकी पोजीशन है वहां हमको काम करना होगा. तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय g, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय g इनवर्स विच बिलोंग्स टू g, वी गेट gn g इनवर्स इज इक्वल टू ng g इनवर्स. This can be written as G N G inverse is equal to N G G inverse by associative. अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये हम लिखते तो हैं यहाँ असोसिएटिव, ये असोसिएटिव, लेकिन ये जिस फॉर्म में दिख रही है टर्म इस फॉर्म में अप्लीकेबल नहीं होती है, ये इसके अंदर एलिमेंट्स में अप्लीकेबल होती है. N सेट है और G G inverse एलिमेंट्स है. तो जब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं तो वहां, या फिर और भी कहीं, जैसे जब G4 की बात कर रहे हैं, G2 की बात कर रहे हैं, तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी लगकर ये रिजल्ट मिल रहा है. नाउ जी जी इनवर्स इज इक्वल टू जी, इसको कंटिन्यू करते हैं. दिस इंप्लाई जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन ई by G4, and this is G and G inverse is equal to N by G. ये जितने भी reasons है, ये जितने भी हम property को mention कर रहे हैं, ये सब इनके अंदर elements में applicable हो रही है. Theorem proof क्या था, ये ऐसी condition हो तो N is normal. So this implies N is normal by theorem. This proves converse part. Hence, from both result follows. Hence, follows the theorem. Next theorem, a subgroup N of a group G is normal if and only the product of two right cosets of N in G is again a right coset of N in G. In other language, N is normal subgroup of G if and only if product of two right coset N A and B is equal to N A B for A B, A comma B belongs to group G. तो फिर से दो पार्ट प्रूव करने होंगे. देखो प्रूफ, कॉमन डेटा लिख देते हैं. Given that N is normal subgroup of group G. पार्ट वन, इसमें गिवन एन इज नॉर्मल क्लेम
NaNb is equal to NaB for all A comma B belongs to G. तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए रिजल्ट प्रूव करना है तो हम कोई दो एलिमेंट लेकर चलते हैं. लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो इनके लिए कोसेंट्स भी तैयार होंगे. देन एन ए एन बी कंसीडर दिस, ठीक है. देन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू left hand side is equal to. Now this Na Nb can be written as N A N B. Bracketing कर रहे हम. अब ये bracketing किसकी वजह से हो रही है, आंसर दे सकते हो? ये bracketing अभी हमने order किसी का change नहीं किया, केवल bracketing की है, तो किसकी वजह से हो रही है bracketing? By एसोसिएटिविटी बाय G2, और वो G2 इसके पहले भी हमने एक्सप्लेन किया, वो यहां नहीं होता, वो इनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इनके अंदर एलिमेंट्स के लिए हो रहा है वो सब. अच्छा, अब यहां पर n नॉर्मल दिया हुआ है और हमने प्रूव किया है, यस करेक्ट, एसोसिएटिविटी की वजह से हम ब्रैकेटिंग कर सकते हैं. n नॉर्मल है, नॉर्मल है तो प्रोडक्ट हमने इसके पहले रिजल्ट प्रूव किया ना, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, तो यहां यूज किया जा सकता है. सो दिस इज इक्वल टू एन एन ए बी सिंस एन इज नॉर्मल, देयरफॉर बाय अ थ्योरम, सिंस एन इज नॉर्मल देयरफॉर बाय अ थ्योरम लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट. अब फिर से ब्रैकेटिंग चेंज कर दो, एन एन ए बी अगेन बाय G2. नाउ इट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एन एन, व्हाट इज एन एन, दिस इज एन ओनली, विजन करो, एन एन इज एन इज करेक्ट, बट व्हाट इज द रीजन? जब हम एलजेब्रा की बात करते हैं तो हमारे हर स्टेटमेंट को वैलिड रीजन होना जरूरी है. यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ जीवन. अब जो हम इसके पहले तक कह रहे थे ना कि ये जो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यहां होल्ड नहीं हो रही है, क्योंकि एन एन यदि आप स्कूलिंग मैथमेटिक्स से देखोगे तो एन एन तो आपको एन स्क्वायर दिखेगा. तो ऐसी बातें कभी अपने से छोटे भाई बहन के सामने नहीं पढ़ना, ठीक है ना, वो बोलेंगे आपको क्या गलत गलत पढ़ा रहे आपके सर, राइट. तो दिस एन एन इज इक्वल टू एन, ये हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी से. क्यों? यदि इसके अंदर हम जाएंगे तो एन एन मान लो इसमें कोई एक एलिमेंट है एन वन, इसका कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते से एन टू, तो एन वन बिलोंग्स टू एन, एन टू बिलोंग्स टू एन, दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू एन, प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ एन इज इन एन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, हेंस प्रोडक्ट एन एन इज एन. तो ये जो रीजन लिखा जा रहा है ये एक्चुअली इसके अंदर जाके एलिमेंट्स में वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ओके. अच्छा, तो ये पॉइंट पर तो आ गए हम. अब ये राइट कोसेट होगा क्या? हमारे पास ए और बी हमने जी में लिया ना, ए और बी यदि जी में है, चलो यही लिख देते हम, फॉर A comma B belongs to G, we have product AB belongs to G by associative property, sorry, by closure property G1. तो अब ये AB के लिए N AB form हो सकता है, will be a right coset of N determined by ए बी बिलोंग टू जी. तो दिस इज अ राइट कोसेट. क्या क्या हमने प्रूव? प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट. तो देयरफॉर एन ए एन बी इज इक्वल टू एन ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी. दिस प्रूव्स डायरेक्ट पार्ट.
डायरेक्ट पार्ट. पार्ट टू, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज द राइट कोसेट इज गिवन नाउ एंड वी वांट टू प्रूव दैट एन इज नॉर्मल. अब नॉर्मल के लिए इसके पहले हमारे पास काफी सारे रिजल्ट्स हैं. देखते कौन से रिजल्ट से हम नॉर्मल तक पहुंचेंगे. दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी. तो सपोज लेट जी बिलोंग्स टू जी, सो दिस इंप्लाइज जी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी. अब ये दो एलिमेंट जी में है और एन सब ग्रुप दिया हुआ है, तो हम दो राइट कोसेट इनकी हेल्प से तैयार करते हैं. Therefore, N G and N G inverse are two right cosets of N in G. So by hypothesis, इनका जो product है, फिर से right coset होगा. Therefore, by data, N G inverse is equal to N. GG inverse, which can be written as NE by G4. अब ये G4 property तो direct दिख रही है क्योंकि element G और G inverse का product है, which is identity element. NE is equal to N, ये by G3, इसके अंदर जाकर इसके अंदर elements में वो property लग रही है, we get result N. इतना आगे. So therefore, NG inverse इंटू एन सॉरी एन जी प्रोडक्ट एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन. ठीक है, फॉर जी बिलोंग्स टू जी. अब ये तो कोसेट है, ये कोसेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, तो एन मल्टीप्लाइड बाई जी, तो वो एन को हम ले लेते एन वन. लेट एन वन जी बिलोंग्स टू कोसेट एन जी. इसमें जो एलिमेंट होंगे एन का कोई एलिमेंट इंटू जी इनवर्स एंड एन टू जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन जी फॉर सम एन वन कॉमा एन टू बिलोंग्स टू जी. इनमें दोनों में हमने एलिमेंट ले लिए, तो अब ये दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट इसमें होगा एन, ये जी इनवर्स है एन जी इनवर्स. तो दिस इंप्लाई एन वन जी और N2 G inverse belongs to NG, NG inverse. सिंपल सी बात है, दोनों का प्रोडक्ट विल बी इन प्रोडक्ट ऑफ NG, NG inverse. लेकिन NG, NG inverse अभी हमने देखा दिस इज इक्वल टू N है, तो दिस इंप्लाई N1 G, N2 G inverse belongs to N. ये यहां से आ गया. आप इसको कुछ नंबर दे सकते हैं, इसको नंबर वन दिया तो बाय वन. ऊपर यदि कहीं नंबर नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया शायद. हाँ, यहां तक. अब जो भी कुछ काम करना है यहां पर काम करना, देखिएगा ध्यान से. अब ये चारों एलिमेंट है, और ये चारों एलिमेंट कहां पर है ये समझ लेते हैं. एन वन और एन टू, एन वन और एन टू, ये एन में है और एन जी में है, मतलब ये भी एलिमेंट जी के हो गए. जी और जी इनवर्स जी में है ही, जी और जी इनवर्स जी में है, मतलब ये जो चारों एलिमेंट है ये चारों एलिमेंट जी में है, तो जी की सारी प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं. जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, ये सारी प्रॉपर्टी इनके लिए अप्लीकेबल होगी. देखिए अभी, दिस इज एन वन, दिखा जा सकता है इसको एन वन जी, एन टू जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, ऐसा लिखा जा सकता है. यदि ऐसा लिखा जा सकता है तो हमको रीजन देना पड़ेगा बाय व्हाट. क्या किया हमने, हमने एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं किया है, केवल ब्रैकेटिंग की है. तो जब ब्रैकेटिंग चेंज की है तो रीजन क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से काम किया ये? फटाफट बोलो. G2, गुड, बाय G2. अभी G2 तो यही अप्लीकेबल होते दिख रही है क्योंकि सारे सारे एलिमेंट्स है, G2 यही अप्लीकेबल होते दिख रही है. अब देखो ये N, N1 N में है, इसको हम यहां से फ्री करना चाह रहे हैं. इसको यहां से फ्री करते तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा समझ में. एन वन बिलोंग्स टू एन है, तो दिस गिव्स एन वन इनवर्स बिलोंग्स टू एन बाय जी फोर,
ऐसे समय कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे, ग्रुप की या सब ग्रुप की, ये भी ध्यान में देते जाना चाहिए। जब हम n के लिए बात कर रहे हैं तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ n की, सब ग्रुप के लिए, ठीक है। चलिए एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है तो ये जो ऊपर रिलेशन है ना, तो इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं n1 इनवर्स से, देयरफॉर पोस्ट मल्टीप्लाइंग अबव रिलेशन बाय n1 इनवर्स वी गेट n1 इनवर्स n gn2 g इनवर्स बिलोंग्स टू n1 इनवर्स n, पोस्ट मल्टीप्लाई किया। अब पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद में ब्रैकेटिंग, दिस इंप्लाई n1 इनवर्स n और gn2 g इनवर्स n1 इनवर्स n को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं n। दो काम किए यहां पर, लेफ्ट पार्ट में एक प्रॉपर्टी यूज किए ये ब्रैकेटिंग, तो दिस इज बाय g2 ब्रैकेटिंग किए, ये प्रॉपर्टी है g2 ऑफ g, क्योंकि मिक्स एलिमेंट्स है सब, g2 ऑफ g एंड राइट साइड में n1 इनवर्स n को n लिखा है, तो दिस इज बाय g1 ऑफ n, बाय g1 ऑफ n। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझने के लिए, ठीक है। आप g2 और g1 भी लिख देते तो समझ में आता था कहां पर हो रही है सब बातें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप जी और क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ n। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ n बोला या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप कहा, क्योंकि सब ग्रुप के सारे एलिमेंट ग्रुप में है ही, तो आप इसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप भी कह सकते हैं, बट स्पेसिफिकली इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप। n1 इनवर्स n, अभी इसके पहले बहुत काम किया ऐसा, दिस बिकम e, gn2 g इनवर्स बिलोंग्स टू n बाय g3 ओहो g4 इनवर्स, n1 इनवर्स n इज e बाय g4। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट विल बी gn2 g इनवर्स बिलोंग्स टू n बाय g3 gn2 g इनवर्स belongs to n, और n2 कहां था, for some n2 in n, तो we can write, ये n2 के लिए result true हो रहा है, तो we can write gn g inverse belongs to n for all n belongs to n, और एक और चीज, ये g हमने g में लिया था, तो ऐसा ही this is true for all g also in g, so imply n is नॉर्मल बाय डेफिनेशन, n इज नॉर्मल, ये हमको प्रूव करना था, n इज नॉर्मल। तो आफ्टर दिस वी कैन राइट टू सेंटेंसेस मोर, दिस प्रूव्स कॉन्वर्स पार्ट एंड हेंस थ्योरम फॉलोज। अभी तक जो कुछ हमने प्रूव किया, डेफिनेशन पढ़ी, ऑब्जर्वेशन देखें, उसको समराइज कर लेते हैं। A subgroup N of a group G is normal if and only, सबसे पहले definition, तो definition थी GN G inverse belongs to N for all G in G for all N in N, ये definition। फिर यदि मान लो हमने ये सारे N cover कर ले इसमें, तो एक observation मिला था, another form of definition we can say GN G inverse is subset of N for all g belongs to g, this was observation from definition। उसके बाद फिर theorem 1 देखा था कि n is normal subgroup if and only gn g inverse is equal to n for all g belongs to g, ये जो subset relation है ये subset equal में convert हो गया। Then theorem 2 was left coset is equal to right coset, so n is normal subgroup of g if and only gn equal to ng for all g belongs to g, और उसके बाद फिर हमने देखा कि product of two right coset is again a right coset, so that is nanb is equal to nab for all a comma b belongs to g। Next theorem
द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सबग्रुप. तो सपोज टू नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी यहां मेंशन कर देते ग्रुप लेट M and N be two normal subgroups of a group G. Then we have to prove that. M intersection N. इंटरसेक्शन है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. अब यहां दो बातें हैं, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एम एंड एन आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स. तो जब सब ग्रुप्स पढ़ा था तो वहां इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप, ये तो प्रूव किया हुआ है. तो हम इतना तो कह सकते हैं M इंटरसेक्शन N इज अ सबग्रुप ऑफ G. तो काम करना होगा केवल नॉर्मल के लिए. तो रिजल्ट रिकॉल करते और इतना मेंशन करते, वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज अगेन अ सबग्रुप ऑफ जी. तो देयरफॉर एम इंटरसेक्शन एन इज अ सबग्रुप ऑफ जी, सबग्रुप ऑफ जी. ये तो मिल गया. अब केवल नॉर्मल बताने की बात है. तो देयरफॉर इट इज सफिशियंट टू शो दैट इट इज नॉर्मल. इट इज, ये सब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकेंगे सर. It is sufficient to show that M intersection N is normal. So normal ki jo definition hai, G N G inverse belongs to N, for all G belongs to G, for all N belongs to N. Iska use karte hue ye prove karte hai. To ek ek element le lete, G mein ek element le lete, isme ek element le lete. Let G belongs to G belongs to G and N belongs to M intersection N. एक एलिमेंट G में और एक एलिमेंट M intersection N में. तो जब ये इंटरसेक्शन में है इसका मतलब M में भी होगा और N में भी होगा. तो दिस इंप्लाई N belongs to M and N belongs to N. ये दोनों का नेचर, M और N का नेचर नॉर्मल दिया हुआ है. तो देखो देयरफॉर G belongs to G, N belongs to M, and M is normal. And M is normal. Implying G and G inverse belongs to M by definition. And this will be true for all G belongs to G and for all N belongs to M. Product G and G inverse belongs to M. ऐसे ही काम हम N के लिए लिख सकेंगे कि G N G इनवर्स बिलोंग्स टू N. अब ये M में भी है और ये G N में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएंगे. यही तो हम चाहते थे, रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. इतना मेंशन करते हैं. ऑल्सो G बिलोंग्स टू G, G बिलोंग्स टू G, N बिलोंग्स टू N एंड N इज नॉर्मल. N इज नॉर्मल इंप्लाई G and G inverse belongs to N by definition. Product belongs to M. Therefore, G and G inverse belongs to M intersection N. ये किसके लिए हो रहा है? एक G के लिए और एक N के लिए. इनका product M intersection N में आ रहा है. तो we can write this for all. So therefore, G and G inverse belongs to M intersection N, for all G belongs to G,
for all n belongs to m intersection n. यहां कहीं सबग्रुप लिखा था ना, इसको यदि हम 1 और a दे दे और ये स्टेटमेंट को b दे दे तो सबग्रुप है और ये नॉर्मल की कंडीशन हो रही है. तो फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b m इंटरसेक्शन n इज अ सब नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. स्टेटमेंट जनरल था, हमने एम और एन अपनी तरफ से यूज किए थे. तो देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सबग्रुप. इसको जनरलाइज कर देते, देयरफॉर यहीं से जनरल, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अगेन अ नॉर्मल सबग्रुप. दिस कंप्लीट द प्रूफ. तो दिस मच इज थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स. इसके बाद हमें नॉर्मल सबग्रुप से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. आज के लिए यहां स्टॉप करते हैं. टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश.